सुन, मैं ना तेरे को एक फैंटास्टिक स्टोरी बताता हूँ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ करता था जो भगवान पर बिल्कुल ही यकीन नहीं रखता था। एक दिन उसे पता चला कि इंडिया में लोग भगवान को बहुत मानते हैं, तो वह इंडिया आया और बहुत जगह पर घूमा। मगर यहां से अमेरिका जाते ही सीधा चर्च में चला गया और भगवान के चरणों पर माथा टेक कर प्रार्थना करने लगा। अब सारे लोग हैरान, भाई इसे क्या हो गया, यह फुलटू नास्तिक आदमी आस्तिक कैसे हो गया। जैसे ही वो बाहर आया, लोग पूछने लगे, भाई क्या बात है, आपको किसी भगवान ने दर्शन तो नहीं दे दिया इंडिया में। तो वो बोला, नहीं नहीं, मैंने उस देश को बहुत ही गौर से देखा और मुझे लगा कि ये देश बहुत ही विचित्र है। यहाँ पर कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे सारी देश की जनता जानती हो। यहाँ पर हिंदू मुसलमान से नफरत करते हैं और मुसलमान हिंदू से। ऊंची जात के लोग छोटी जात से नफरत करते हैं। शहर के लोग शहर में बाहर से आने वाले लोगों से नफरत करते हैं। यहाँ तक कि कार वाले लोग ऑटो वालों से नफरत करते हैं। इतनी नफरत भरी पड़ी है इस देश में, मगर फिर भी ये देश चल रहा है, तरक्की कर रहा है। तो बताओ, इसे भगवान के सिवाय और कौन चला सकता है। मुझे तो यकीन हो गया कि भगवान है। बोल क्या। अरे देखो, हम पहुंच भी गए। अच्छा, यहाँ आगे रोक दिया। बस बस बस, थैंक यू। कहाँ जाना है साहब? अरे घर जाना है यार, और कहाँ, 14 माले पे। पर वहाँ तो अपने जतिन साहब रहते हैं। हाँ तो मैं तो जतिन गांगुली हूँ। खोलिए अभी गेट। अरे साहब, उनके पास तो टाटा सफारी हैंगी और आप तो रिक्शा से उतर रहे हैंगे। अरे यार, आज ही मेरी गाड़ी चोरी हुई है। अभी आप गेट खोलोगे कि नहीं? खोलो गेट। काम वाली भाई घर पे नहीं आती तो दूसरे पे गुस्सा निकालू, क्या करूं मैं। मशहूर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर शक। मशहूर बिल्डर अरुण तलरेजा को अंडरवर्ल्ड से मिली जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। चले जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, दिन में धंधा करना पड़ता है। आप
हाँ क्या है, कहाँ जाना है? हमको यहाँ काम मिलेगा। किधर से आ रहे? मोतिहारी बिहार से। अबे यहाँ कोई काम वाम नहीं है, वापसी की ट्रेन पकड़ कर गाँव निकले। चल चले आते, तेरे जैसे जाने कितने हजारों घूमते हैं। चल लेकिन बनवारी तो कह रहा था मुंबई में रात को कोई भूखा ही नहीं सोता है। हाँ सही कहता था बनवारी, कोई रात को भूखा नहीं सोता, क्योंकि रात को भूख से नींद ही नहीं आती। भुक्कड़ साला गंदे कटा में। चल निकल, चल। अंधे को दे बाबा, अंधे को दे बाबा, अंधे को दे बाबा, अंधे को दे बाबा। नहीं आपको मैंने बोला ना, that deal is not okay for me. No, no, no. अच्छा मेरी कोई कॉल वेटिंग है, मैं पछी बात करता हूँ। ओके ओके बाय। सुनील, she was hot यार। अरे like a hot volcano मैं कह रहा हूँ, शाइना शाइना। और ये हमारी जो डॉली है ना, जो ग्रुप लीडर है, अरे उसी ने कॉन्टेक्ट दिया था। लोखंड वाला में फ्लैट मांग रही थी, ब्रोकर ढूंढ रही थी, मैंने कहा मैं दिलवा देता हूँ। सेटिंग कर ली मैंने, हो गई। फिर कॉफी पीने के लिए ले गया मैं, ताज में ले गया। फिर रितु कुमार के बुटीक में। फिर क्यों यार? मैंने कहा मैंने फ्रेंड के लिए ना एक ड्रेस चुननी है, तुम ही चुन लो ना, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। खुश हो गई यार। फिर क्यों यार? दो ड्रेस चुन के लाई, 18,000 बक्स ईच मैन। इतनी महंगी? हाँ, मैंने कहा ठीक है चलो, दोनों दोनों पैक कर लो। ओके हाँ। अरे खुश हो गई, ऐसे चिपक कर बैठ गई जैसे बस समझो नाना ढीला हो गया उसका। ऑफ कोर्स। फिर क्या? फिर उसे मैं क्लब ले गया। क्लब पे वो जोसेफ है ना, उसको मैंने थोड़ी सी आँख मारी, मैंने कहा ब्रिंग द बेस्ट वाइन, शार्डोने फ्रेंच वाइन, 10,000 बक्स मैन। दोनों ने पूरी बोतल ही ब्लडी खत्म कर डाली वहीं पर, टिप्सी कर दिया उसको। फिर मगनानी की चाबी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो बेटा तलरेजा ऊपर। कमरे में गया, अरे धमाल, तू देखना तू दसना यार की हो गया। फिर उसके बाद? अरे फिर क्या, रात को 3 बजे बोलती है सर प्लीज मुझे घर छोड़ दो। हाँ मेरे जो हस्बैंड है ना, वो सुबह की फ्लाइट से आने वाले हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो गया मर्सिडीज में यार, बांद्रा तक छोड़ने के लिए को। सब बिकती है यार, बस हर एक की कीमत अलग होती है और क्या। हाँ यार, चैम फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट, तू क्या कर रहा है? सामी मुलाकात होगी। अरे मेरा तो अगर चक्कर चल गया ना तो मड वाले बंगले में ही होऊंगा। यस तन्वी, पापा मुझे 25,000 रुपए चाहिए। Why 25,000? मम्मी ने पॉकेट मनी नहीं दी क्या? पापा आज रात को मुझे डिस्को जाना है। डिस्को रात को? I can't let you go, Tanvi. It's too dangerous. तुम्हें पता नहीं रात को कैसे कैसे घटिया किस्म के लोग घूमते रहते हैं। Oh, chilla. Papa, I want to go with my friends. I don't know any of your friends, Tanvi. Papa, what is this? What? You never understand me. Tanvi. I really want to go. I really don't care. ये क्या है तन्वी? Please, Papa. Okay, stop this time. ये बंद करो रोना धोना. ये लो. ये 5,000 है. ठीक है? लेकिन रात को जल्दी वापस आ जाना. Understand? जाओ मम्मी को बता दो. Go. मेरी राडू की घड़ी देखी क्या तुमने? एक मिनट। क्या सुबह सुबह सीरियल देखना शुरू कर दिया? अरे नहीं, कल मिस हो गया था ना, रिपीट देख रही हूँ। तन्वी मेरा फोन उठाना। आप देख लो ना मामा, आई एम बिजी। मैं समीर बोल रहा हूँ। मिस्टर समीर, सुषमा तलरेजा से बात करना था, वो उनके अस्पताल में हमारे एक पेशेंट है बाबा जी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ हाँ जी। तन्वी तुम कहाँ जा रही हो, आज तो कॉलेज बंद है। मामा
वो रोशन के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है एंड शी इज वेरी अपसेट. उसको डिस्को लेके जा रहे हैं. सुना तुमने इनकी लैंग्वेज? इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया. पता है कहाँ से सीख रहे हैं? टेलीविजन सीरियल से. ऑल ऑफ देम आर फुल ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. हाँ, कोई भी उठा लो, सास, बहू, बेटी, भाभी, ये सारी टीवी सीरियल वालों को ना बैन कर देना चाहिए. 15 साल से देख रही हो, तुम पर तो कोई असर पड़ा नहीं. तरीका ही नहीं. क्या पहना क्या है उसने? क्या कोई कपड़े हैं? ये सब म्यूजिक वीडियो देखती है ना, उसमें वो जो लड़की है इतने छोटे 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 कपड़े पहन के घूमती रहती है. जो काम करती है उनको भी शर्म नहीं, जो बनाते हैं उनको शर्म नहीं. ये पूरे जो वीडियो वाले ना, इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए. तो मत देखो. डोंट सी इट देन. क्यों देखती हो? तो फिर और क्या देखूं मैं? फिल्में देखूं. देखी थी कल रात को एक, क्या उसका नाम, फैमिली मैन. बट दैट्स जस्ट रिलीज्ड अभी पिछले हफ्ते. तो टीवी पे कैसे आ गई? अरे टीवी पे नहीं आई. वो नीचे अपना है ना वीडियो पार्लर वाला, वो फ्राइडे को पायरेटेड कॉपी दे देता है. उसमें जो हीरो है वो बस इतनी स्टाइल से सिगरेट पी रहा है. हाँ, यूं यूं कर करके. तो जो बच्चे हैं वो तो इमिटेट करेंगे कि नहीं करेंगे उसको, मुझे बताओ. किसी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सारे फिल्म वालों को ना एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए. दैट्स द ओनली वे टू एंड द करप्शन एंड सेव द कंट्री. इसे भी गोली मार दो. इसको उनका बिल जो है वो करीब 1.5 लाख के करीब हो गया है. तो आज तो आपको किसी भी हालत में क्लियर करना पड़ेगा. चेक चलेगा? अगर आप चेक देंगे तो 12.5% का सर्विस टैक्स है, और अगर आप कैश देंगे तो हम लोग पेशेंट को जो है वो चैरिटी कोटा में एडजस्ट कर लेंगे. दैट्स बेटर ना? हाँ जी. ओके ओके. हाँ, और एक बात, आपने शायद मेरे हस्बैंड से कोई फ्लैट के बारे में बात की थी ओशन व्यू में. हाँ जी. जी, तो उन्होंने आज आपको शाम को 5 बजे अपने ऑफिस में बुलाया है. जी, मैं पहुँच जाऊँगा. जी. Are you okay, Jennifer? Yeah, babe. It's just indigestion. छुट्टी ले लो फिर. नहीं, मुझे जाना होगा. Oh God. टीवी चैनल का क्रिएटिव हेड होना इतना आसान नहीं है. It's so demanding. Babe. आज वो तलरेजा को मिल रहे हो ना? उसके ऑफिस में 5 बजे. शिट, आज मेरा शूट है और वो सीरियल की टीआरपीस भी इतनी गिर रही है ना कि मुझे जाना होगा. गॉट गो एंड फिक्स इट. बट यू नो व्हाट, पहले मुझे कह रहा था कि तलरेजा इज इन अ फाइनेंशियल क्रंच, तो लेट्स यूज दैट टू एडवांटेज. यू नो, बहुत बार्गेन करना, फायदा हमारा ही होगा. जो भी हम सबके फायदे के लिए अच्छा होगा वही करूँगा. मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ. वाह, क्या बात है. वाह भाई, लग गया फोन. बैक युगे तलरेजा, इस बार का किसने दिया क्या तूने? बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है. साला छे कॉल सेंटर चलाता है, नोट छापता है, वहीं से लड़कियां भी उठाता है. मालूम नहीं क्या आप उनको? तो मेरे 3 प्रोजेक्ट्स सीआरजेड के चक्कर में फंसे पड़े हैं, सब पैसा अटका हुआ है. साला झूठ बोलता है. वो गवर्नमेंट के साथ TDR और स्लम डेवलपमेंट का झोल किया है ना तुम लोग ने, तब से साला चांदी हो गया तुम लोग का. ऐसे नहीं देता कोई कुछ भी. सीएम से लेकर म्यूनिसिपैलिटी के चपरासी तक को पैसे खिलाने पड़ते हैं. सरकार से बड़ा माफिया क्या तू? देख, कल अगर तू पैसा नहीं देगा ना तो दिमाग में लोहा और में बारूद भर देगा तेरा. और तेरा बीवी है ना जो हॉस्पिटल चलाता है, वो भी नहीं बचा पाएगा तेरे को. धमकियों से नहीं डरता मैं, जो करना है कर ले. नूर को फोन लगा. वाह, क्या बात है. तो बिहार का है. तो बिहार भी तो हिंदुस्तान में है. हेलो शिंदे, अरुण तलरेजा बोल रहा हूँ. वो शशफाक का फिर फोन आया था आज.
धमकी दे रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, अपने पास दो फोन रखना, जैसे उसका फोन आएगा दूसरे फोन से मुझे इन्फॉर्म करना ताकि हम लोग उसका फोन टैप करें। ओके बाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कब तक आप लोग खामोश रहेंगे? कब तक? कब खून खौलेगा आपका? हमारे मुल्कों पर हमले हो रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा किए जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम खत्म हो जाए, नेस्ता नाबूद हो जाए। और हमारे मुल्क में हमारे बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा है? जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ? किसी को सजा मिली? किसी को सजा नहीं मिली। सब घूम रहे हैं, कब तक खामोश रहेंगे? अरे हमें इस जुल्म का बदला लेना है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। इस किताब को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इस पे अमल लाइए। नूर, हाँ वो अपना अरुण गांजा ना। हाँ यार, तलरेजा बिल्डर्स बहुत नाटक कर रहे हैं। इस महीने में 5 बिल्डर्स ने अपने को हफ्ता देने को मना किया। उनको लाइन पे लाने के लिए उसको टपकाना पड़ेगा। हाँ तू अंसारी का पास जा, इंजेक्शन और गोली ले, उसको खिला दे। किसको लेके जाएगा? राजा को साथ लेके जाऊँ भाई। कौन? हाँ वो लाल बाउटा। हाँ भाई, पिछली बार अच्छा काम किया था उसने। हाँ ठीक है, लेकिन नजर रखना उसके ऊपर, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार बहुत खतरनाक होता है, मालूम है ना? ठीक है भाई। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब मजहब के लिए जिहाद। दे दे माई, दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। अरे राजा, तू तो 20 तारीख को लौटने वाला था ना दिल्ली से। मैं दिल्ली गया ही नहीं इंटरव्यू के लिए। पता है 10 जगहों के लिए कितने एप्लीकेशन आए थे? 3 लाख। रेलवे में क्लर्क की जगह के लिए 5,000 डबल ग्रेजुएट्स और 12 डॉक्टरेट्स ने अप्लाई किया था। सब नसीब का खेल है बाबा, इसके आगे किसी का नहीं चलता। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इंडिया शाइनिंग। साला ये भी नसीब का खेल है। तू बता, तो दिल्ली नहीं गया था तो 2 दिन था कहाँ? पुणे। जीजा जी से मिल के आ रहा हूँ। तू जेल गया था? कैसे है जीजा जी? अच्छा, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, पूछ रहे थे जमानत की रकम का इंतजाम कब होगा। इनके नसीब में जितने दिन जेल की रोटी लिखी है वो तो खानी पड़ेगी। तुम हमेशा नसीब नसीब क्या करती रहती हो? हाँ, ये नसीब भगवान कुछ नहीं होता, जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है इंसान खुद करता है। ये गरीब वर्ग के लोग जब तक नसीब को कोसते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, रोते रहो हमेशा। नॉनसेंस। एक बात बता राजा, इधर देख, तेरा जीजा जी एक मामूली ईमानदार क्लर्क था ना, फिर भी जेल में सड़ रहा है और वो बेईमान कंपनी का करोड़ों पैसा लूटकर अमेरिका में बैठा है। क्यों? तू तो पढ़ा लिखा डबल एम है, प्रोफेसर होने के बजाय ये भाई लोगों के लिए काम क्यों करता है? मेरे खेत में 50 से भी ज्यादा लोग काम करते थे और आज मैं लोगों के घर में जाकर बर्तन मांजती हूँ। क्यों राजा, क्यों? कि नसीब नहीं तो और क्या है? कैपिटलिस्ट कंट्री में इकोनॉमिक इंबैलेंस के बारे में मार्क्स क्या कहता है एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें। मुझे नहीं पता तेरे मार्क्स क्या कहता है, लेकिन तुझे पता है मैं घर में जाकर जो काम करते हैं उसका पगार कितना है? नहीं ना,
सिर्फ 450 रुपए। और यही सब चाहिए। रोने से कुछ नहीं होता, हथियार उठाओ। The power flows through the barrel of a gun. Thum, thum, thum. बहुत सुन चुकी हूँ मैं। अब ये बता, तेरे जीजा जी और क्या कह रहे थे? जमानत के सिवा और क्या कहेंगे? ये मंगलसूत्र बेचकर 20,000 रुपए हो जाएंगे। किसी तरह 5,000 जमा करके बस अगले महीने में छुड़ा दूंगी। ये ले चूड़ा, पसंद है ना? ना बाबा, आज मेरा माता का व्रत है, आज तो मैं पानी भी नहीं छूती। तेरे जीजा के लिए रखा है, शनि जी की पूजा भी करवाई है मैंने। अब देखना, कल से मेरी सारी पनौती दूर हो जाएगी। चलती हूँ बाबा, काम के लिए देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो फिर वो सुषमा मैडम चिल्लाती रहेगी। हाँ नूर मियाँ बोलिए। हाँ राजा, अशफाक भाई का फोन आया था, एक शाने को रिकॉर्ड आना है आज ही। मैं मुमरा से निकल रहा हूँ अभी, तो एक आध घंटे में मिल मेरे को सांता क्रूज स्टेशन पे। वहाँ से गोलीबर बस्ती जाने का है, असला उठाने। ठीक है भाई। कहो हम हिंदू हैं, ये नारा होना चाहिए इस देश का जिसकी 80% आबादी हिंदू है। लेकिन आज अपने आप को हिंदू कहलाना रेसिस्ट कहलाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि हर समाज में, हर कल्चर में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। उन्हें बदलना और बदलकर परफेक्शन की तरफ ले जाना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। इसीलिए हमने कालबाही जाति व्यवस्था को छोड़ दिया, सती प्रथा का त्याग कर दिया, बलि जैसे कर्म कांडों को ठुकरा दिया। लेकिन मुस्लिम समाज ऐसे कर्म कांडों को छोड़ना ही नहीं चाहते जो कालबाही हो चुके हैं। उनके पिछड़े हुए रवैये के कारण आज मुस्लिम समाज इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ समाज बनकर रह गया है। और अब इसी मुद्दे को लेकर उन्हें आरक्षण देने की बात उठाई जा रही है। ये क्या बात हुई? क्यों मोदी जी? बिल्कुल सही कहा आपने भाई, आरक्षण देने का कोई ना कोई मसला होना चाहिए। हेलो, इज दैट मिस्टर नचिकेत जोशी? यस सर, मैं राधा कृष्ण बैंक से बोल रही हूँ। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और शादी की उम्र के हैं, तो हमारे बैंक ने ना आपके लिए एक नई स्कीम निकाली है। सर, अगर आप हमारा ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेंगे ना, तो हम आपको एक गर्लफ्रेंड अलॉट करेंगे। अच्छा, कार्ड के 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 1 kiss free, 200 पर 3 kisses free, और 400 पर 8 kisses free। अच्छा, और 1,000 पर, 10,000 पर किसके आगे और कुछ भी मिलेगा कि नहीं? किसके आगे? आपके मंगेतर का एक थप्पड़। कहाँ हो तुम? हाँ, इतनी देर लगा दी? यही कॉल सेंटर पे। आज भी? एनीवे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अब आरक्षण का कोई मुद्दा तो होना चाहिए। अब मुसलमानों में कितने बड़े लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, हम उनको भी आरक्षण दे दें, उनको भी पिछड़े हुए वर्ग में शामिल कर लें, तो ये तो बात नहीं चलती ना। इस देश में आरक्षण एक स्ट्रेटजी बनाएगी। अच्छा, एक पॉलिसी बनाएगी। मैं रखता हूँ डैड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने दोपहर को मिलते हैं। कहाँ? अभी जहाँ पे मैंने पहली बार तुमसे कहा। एक बार पिछड़ा। आई लव यू। आई लव यू टू। चंडा, मूड फ्रेश करने के लिए कॉल सेंटर आया हूँ। नहीं, दोपहर को मैं। अच्छा, ओके, आई गॉट टू गो। या ओके, देयर इज नो पॉइंट इन मीटिंग, कंफर्म द डील, देन वी विल नेगोशिएट। हाँ ठीक है, कल फोन कर। ओके बाय। आउच। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉली। फ्री हो तो मेरे कमरे में ना। ओके श्योर। रुक जा, अरे रुक रुक, बना रहे हो।
रहे तू? स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन कितने घाई में? जी कोई इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है? अपनी चीज छोड़ के जाएगा क्या? क्या दिखा रहे? बता रहे उसको क्या ये? अरे ये मेरा, 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 मेरा। अरे तुझे तो पसंद आ रहा है। तबियत तो ठीक है तेरी? हाँ तबियत ठीक है। तबियत ठीक है ना? कोई इंतजार कर रहा है इसलिए जा रहा है। अरे इसको पानी दे रहे, पानी दे इसको। मुझे नहीं पीना है पानी, आप समझा करिए ना। अरे तेरे भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ यार। कमाल है यार। मिस्टर नूर अहमद, कार्ड निकालिए। कार्ड बूट पॉलिश, अरे साहब बूट पॉलिश कराना था। अरे साहब प्लीज, साहब बूट पॉलिश करा। तो रुक, हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर अंसारी से मिले। चेक कर लो। पॉइजन लाया हूँ। वाओ, यू नो सर, बहुत कॉस्टली है। और सर जानते हो कि ये तो जूलियन रॉबर्ट्स यूज करते हैं। थैंक यू सो मच डॉली, ओनली थैंक यू। तुमने आजकल मेरा ख्याल रखना ही छोड़ दिया है, किसी फ्रेंड से मिलाया नहीं। मगनानीज बंगलो, नो पार्टी डॉली, व्हाट्स हैपनिंग टू यू? कम ऑन यार, कुछ करो ना। आज आशा की बर्थडे है। व्हिच वन इज आशा? सर आशा जो गोरी गोरी और फेयर एंड लवली वाली। ओ चिकने। अच्छा तो फिर डॉली कम ऑन ना, कुछ प्रोग्राम इंतजाम करो रात को मड पे। मेरी तरफ से बिग पार्टी हो जाए, ओके? तुम्हारे लिए और उसके लिए स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। बट यू नो सर, आशा ज्यादा बोलती भी नहीं है और खुलती भी नहीं है। सब खुलती है और सब खुलती भी है। आई नो, एक बड़े केक का इंतजाम करो ताज से, और ओवरऑल से सैंडविचेस मंगवा लो। वहाँ के सैंडविचेस बहुत अच्छे होते हैं। और राजा से कहो कि मेरी मर्सिडीज से वो रितु कुमार बुटीक वाला एक आउटफिट का पैकेट है, ले आओ। डन? डन सर। बस यू सो सो अमेजिंग। आई नो दैट डॉली। मारुति कामले, मारुति कामले, मारुति कामले, मन्नू की संतानों को। अरे भाई साहब। हाँ, क्या चल रहा है? दलित स्टूडेंट था सर, वो रिजर्वेशन के सपोर्ट में अपने आप को जला दिया, इसलिए दलित मुस्लिम माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन छेड़ रखा है। क्या बताएं, बहुत जाम लगा रखा है लोगों ने। ए, जाने दो ना भाई साहब, जल्दी हो जाएगा। आज ही नहीं होना था। Don't be rude, baby. Oh, come on, let's get real, sir. तुम्हारा ये जो देश है ना, इसे दो एजेंसी चला रही है, एक CBI और एक कोर्ट। और कोर्ट भी क्या, आधे टाइम तो लोग खुद ही रास्ते पे कोर्ट लगा लेते हैं। हमारा देश बदल रहा है, you just have to have patience. मारुति कामले, मारुति कामले, मल्लू की संतानों को। Yes, yes, I know I'm a judge. So what? यहाँ सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊँ कि मैं कोर्ट का जज हूँ? मुझे जल्दी जाने दे। अगर मेरी इतनी वैल्यू होती ना, तो यहाँ लोग अपनी अदालत नहीं लगाते। Yes, doctor, I'm trying. हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ। Yes, yes. अरे जाओ यार। रोज शाम को 6:30 बजे निकलता ऑफिस से, गाड़ी में बैठने से पहले टपका देंगे, लेकिन उससे पहले गाड़ी का इंतजाम करना है। गाड़ी? अरे जारी गाड़ी अपनी तो है, ये देखिए ये पार्क करके रखी है अपने लिए।
एक खाली कटोरा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही साहब। कह रहे गाड़ी चोरी कर रहा है? नहीं साहब, वो गाड़ी चोरी कर रहा है। नहीं, खुल गई सर, आइए सर। चलो बाय साहब। साहब हाँ, आप लोग इतना बड़ा गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपने को भी कुछ देते जाओ ना साहब, कुछ तो दो साहब। ये लो, ये क्या है साहब? इसको बोलते हैं लैपटॉप। बोल बोल बोल, लैपटॉप। बोला अच्छा, जल्दी आ यार, चोरी का गाड़ी ये खरीदा नहीं। नूर भैया, हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई भी चीज़ किसी एक की मिल्कियत की नहीं होनी चाहिए। अब किसी की गाड़ी अपनी है, अपना लैपटॉप उसका है, है कि नहीं? दलित मुस्लिम है क्या था? मनु के संतानों को, मनु के संतानों को। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग जानते हैं आपके एजिटेशन की वजह से कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है सबको? मनु के संतानों को, मनु के संतानों को। प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बेटी का डिलीवरी होने वाला है और इट्स अ सिजेरियन, उसका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री में है, और मुझे कुछ पेपर साइन करने जाकर वहाँ अस्पताल में, और फिर कुछ दवाइयाँ जो हॉस्पिटल लेकर जानी, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचा तो डॉक्टर का फोन होगा। मारुति कामले, मारुति कामले। हेलो, या आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट डॉक्टर, या डॉक्टर आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, आई एम इन अ मेजर ट्रैफिक जाम। एक मिनट, कैन आई सजेस्ट यू? आई डोंट वांट एनी सजेशन, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। आप चाहे तो आप मेरी गाड़ी ले सकते हैं। क्या? ये देखिए, वहाँ उस तरफ आगे जाकर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़े, गड्ढा भी है, लेकिन आप उसको निकाल लीजिएगा। आगे जाकर लेफ्ट हैंड साइड में एक लेन है, ठीक है, है तो वो बन गए, लेकिन आप उसको निकाल के ले जाइएगा ना। कोई पकड़ लेगा तो? अरे दे दीजिए कि ना उसको 25-50 रुपये, आपको अस्पताल पहुँचना है कि नहीं? और मेरी गाड़ी? ये मैं ले आऊँगा, मैं शाम को आपको वापस कर दूँगा। मुझे अपना नंबर दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। सामने वाली गली प्लीज। हाय, थैंक यू वेरी मच। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एंड look at this nonsense. Hi, 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 hi. मैं तो कहती हूँ ना कि इस दुनिया में एक ही जगह होगी जहाँ पे कानून तोड़ने पर गवर्नमेंट पैसे देती है, और वो भी लाखों में। Nonsense. Of course, darling. I mean, come on. अगर आप किसी और की जमीन पर इलीगल झोपड़ा बनाओ, पानी और बिजली चुरा कर कोई भी टैक्स दिए बगैर रहने लगो, तो आपको क्या मिलना चाहिए? जेल ना? फिर भी हमारी सरकार उन्हें बना बनाया 225 स्क्वायर फुट का फ्लैट देती है, और ऊपर से उनके हर महीने के टैक्स का बंदोबस्त भी करके देती है, और उसके बाद आप उसे बेच लो और कहीं दूसरी जगह जाकर एक झोपड़ा बनाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब मुझे बताओ कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? टू पे फॉर दिस क्रिमिनल एक्टिविटी, डजंट इट? ट्रस्ट मी समीर, दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। इस कंट्री में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं कितने सालों से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि US या UK में अपने लिए एक नौकरी ढूंढो, हम वही शिफ्ट हो जाते हैं। I'm telling you, life is going to be so much better there. और बेब्स, मैं तुम्हें कितने सालों से कह रहा हूँ कि आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन हिंदुस्तान। मैं यहाँ से जाने की जब भी सोचता हूँ तो मेरे ख्वाब में बाबा जी आ जाते हैं। I hate to say this, but I hate India. And I love India. क्योंकि ये दुनिया का सबसे सेक्युलर नेशन है। ए सुनो, मेरी गाड़ी यहाँ थी, कहाँ है? वो साहब दो लोग आए ले, मस्त स्टाइवी पहन के, कांच तोड़ा, ढक्कन खोला, गाड़ी लेके चले गए। What? पक्का? दो आदमी? तो साहब कुछ तो दो। आ यार।
रास्ता रोको, डिमोलिशन रोको, डिमोलिशन रोको, भगवा रोको, भगवा रोको, प्रगति रोको, अंडरवर्ल्ड रोको, बिहारी रोको, रेल रोको, स्मोकिंग रोको, आपकी समझ रोको, कोका कोला रोको, रिमिक्स रोको, वैलेंटाइन रोको, रोको 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 रोको। No, यार, I can't work with Indian guys यार। यार Indian guys के साथ deal करना नींद हराम करना है। मंगेश को देखो, उस दिन सब कुछ decide हुआ and he was ready to work for 20% commission, लेकिन जब contract लाया तब उसमें 25% लिखा था। अब पहले ये हाल, तो आगे की commitment क्या रखेगी ये लोग? I just don't understand and I will not work with these guys. I say impossible. I mean it's just crazy. I can't. What? No, यार, तोड़ा, लेकिन मोबाइल पर बात पहले आप कर रहे थे। कानून पहले आपने तोड़ा है, क्राइम पहले आपने किया है, इसलिए जुर्माना भी आपको करना पड़ेगा। चलो चलो, जुर्माना पे करो, आपको पे करना पड़ेगा जुर्माना। क्या हो रहा भाई यहाँ पर? व्हाट, यू आल्सो वांट बी द जज नाउ? इट इज नॉट द क्वेश्चन वेदर आई एम जज और नॉट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमरजेंसी। मेरी बेटी वहां अस्पताल में। कट द क्रैप है। कभी किसी की बेटी हॉस्पिटल में, कभी किसी का भाई। हर इंडियन को पहले जाना है। लाइन में खड़े रहने में शर्माती है क्या? किसी की गाड़ी छूट जाती है, कभी किसी का टॉयलेट छूट जाता है। Shut up! I said shut up! पहले पुलिस को आने दो। Till then I am not moving my car. That's it. अबे हंस क्यों रहा है? अरे मैं अरे उठाना नहीं। अरे भीड़ भड़क के में गाड़ी चोरी हुई है। पुलिस स्टेशन पहुंचते 1 घंटा लग जाएगा उसे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, इज दैट मिस्टर जतिन गांगुली? यस, जतिन गांगुली स्पीकिंग। सर मैं HMFC से बोल रही हूँ, हमारे बैंक ने आपको चुना है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो मेरा क्रेडिट इतना बढ़ गया कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे रही हैं? जी सर। सर आप इनकम टैक्स भरते हैं? जी नहीं, हम इनकम टैक्स भरते नहीं हैं, हम इनकम के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं। सर उसके ऊपर तो आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो किस बात पर क्रेडिट देंगे आप? देखिए अगर मैं 3-piece सूट पहन लेता हूँ तब तो एक साथ 3 क्रेडिट कार्ड दे देंगे आप मुझे। सब काम हो गया। जी सी आई हैव अबाउट 7-8 क्रेडिट कार्ड सो आई डोंट नीड वन। लेकिन मेरा एक दोस्त है, क्या आप उसे क्रेडिट कार्ड देंगी? नाम क्या है तेरा? भोला पासवान। जी भोला, मिस्टर बिल पासवान। बिल पासवान जी, NRM है। NRI नहीं मैम, NRM जी। देखिए जी, क्रेडिट? अरे आधी मुंबई तो इन्हीं का दूध पीती है। हाँ अच्छा, कितने का? 50,000। एक मिनट है। देखो भैया, हम तुझे मुंबई में रोटी कपड़ा मकान तो नहीं दे सकते, लेकिन क्रेडिट कार्ड और मोबाइल जरूर दे सकते हैं। रखो रखो रखो, इधर से गाड़ी आया। बिहार से। गाना गाने को लगा, बंद कर पहले, चल निकल यहाँ से। साल में 3 रेड पड़ चुकी है इनके ऊपर, हालत देखिए उनकी। देखिए कम से कम 1.5 लाख का तो क्रेडिट कार्ड आपको देना पड़ेगा, बस है ना सर? हाँ जी, हाँ 1.5 लाख। उनका पता? एक मिनट, आगे पुलिस की नाकाबंदी है, गाड़ी पीछे से लेनी पड़ेगी। आप जरा थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए। हाँ का निकलना मुश्किल है, इस डब्बे का क्या करें? ए बोला, ए इधर आ, इधर इधर काम चाहिए ना तुम्हें? जी सर। हाँ, इस डिब्बे में बच्चे के लिए खाना है। जी हाँ, बीमार है बेचारा, हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रैफिक है ना, हम लोग जा नहीं सकते। जी। उसका बाप तुम्हें वहां पे मिलेगा, राम रतन नाम है उसका, ठीक है? राम रतन, लाल बनियान, पीली शर्ट और हरी पैंट पहनी है उसने, ठीक है? उसका इंतजार करना, उसी के हाथ में देना। जी जी ठीक है जी। मैं आके पैसा दे देता हूँ। अच्छा। जी सर। जी
हम जाएं। आने के लिए किसी को पूछा था? जाने के लिए काय को पूछ रहे हैं? निकल ना यहाँ से। अब खाने का डिब्बा है। नहीं तो मेरा दिमाग काय को खा रहा है। चल निकल यहाँ से। ये तो गाड़ी करो, गाड़ी करो। आगे आगे आगे। ओके। ये देखना, चेक करना। साहब ना ही वो कमीज वाले मिले ना ही बच्चा खाना नहीं आया ना, खाने वाले भी नहीं थे। ऐसे कपड़े कोई पहनता नहीं है आजकल। हेलो सर, मैंने आपसे अभी अभी बात की थी, मैं HMFC से बोल रही हूँ। बिल पासवान का पता जी, 15 तुलसी पाइप रोड। 15 बंगले का नंबर नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल का नंबर है जिसके नीचे वो रहते हैं। लीजिए बात कीजिए उनसे। चलो लो बात करो, बात करो। बोलो हेलो 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 हेलो। काम देना, काम दीजिए। काम चाहिए, काम दे दीजिए जी। देखिए कल सुबह हम ट्रेन पर चढ़े थे तब खाना खाए थे, तब से 24 घंटे हो गए हैं, पेट में एक दाना भी नहीं गया है। खाना खाना है आपको? नहीं नहीं, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको काम दे दीजिए, काम चाहिए हमको। देखिए सर, मुंबई में अभी भोजपुरी कॉल सेंटर नहीं खुलेंगे, जब खुल जाएंगे आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू, गुड डे। हेलो हेलो, तुम्हारे जैसे हमने देखने वाले नहीं देखे, जिगर में किस तरह से रंजोगम पाले नहीं देखे। यहाँ पर जात मजहब का हवाला सबने देखा है, किसी ने भी हमारे पांव के छाले नहीं देखे। ओ भाऊ, क्या है? क्या हो गया होल्डर साहब, शहर में चोरियां बढ़ गई है क्या? हाँ, कहाँ गए सबके सब? अभी सब लोग रास्ता रोक पे गए, तुम्हारा क्या है? जी वो गाड़ी चोरी हो गई थी, कंप्लेंट लिखवाना था। नया रंगाजी 1939 चोरी इन्फॉर्मेशन आई सर। अरे अब तक गेली ना गाड़ी नया रंगाजी, आधी सांगता येत नाही, कुठल्या गावचा आहेस तू? वाई सर, वाई तुझ्या आईला नेलं, वाईला लवकर गणपतीला भेटायला सर, येडा कुठला लगेच सांग। आशा, इट्स आशा'स बर्थडे। शबीर, मेरी लुई फिलिप की जैकेट ला। मैंने आज नौकरी छोड़ दी है। नौकरी?
क्यों? वो दलेजा है ना, बीपीओ का मालिक, उसने आज मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, पता है? क्या किया उस साले ने? बता मुझे, इसका थोपड़ा तोड़ देता हूँ मैं। कितनों के मुंह तोड़ोगे तुम? हर पुरुष की नजर बदल जाएगी क्या? तुम जानते नहीं ना चिकित कि बचपन से आज तक मैं कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ। तुम्हें पता है कि तुम पहले और आखिरी ऐसे इंसान हो जिसकी आंखों में, जिसकी बातों में और जिसके टच में मुझे सिर्फ प्यार का एहसास हुआ। मैं थक गई हूँ अच्छी के इस शहर में अकेले रह रहे के मैं थक गई हूँ। तुम मुझसे कब शादी करोगे नचिकेत? बताओ ना नचिकेत, कब करेंगे हम शादी? आशा, मैं डैड से पूछे बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? अच्छा या बुरा जिंदगी में फैसला खुद करना पड़ता है। मैंने आज एक पैसा लिया है। That I will not take shit from anyone, including you. Do you understand that? तुम्हें आज ही मुझे बताना पड़ेगा, वरना कल से मुझे मिलने की कोशिश मत करना। I'm done with you. Do you understand that? ठीक है, शाम को मिलके बताता हूँ। ये सोचा था कि तू समझेगा मेरे अशकों का अफसाना, कहां सैलाब आता है कहां पर आग जलती है। और कितना टाइम लगेगा शारदा? बस हो गया, बस जल्दी कर लेना। हाँ जी। वहां देखो कोना छूट जाता है हमेशा तुम। अच्छा जी। परफ्यूम की बॉटल कहाँ है? शारदा, कहाँ जा रही हो? मैडम काम खत्म हो गया है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ तुम। शारदा एक काम करो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो एक ग्लास जाने से पहले। सादा पानी देना, ठंडा छोर मिलता नहीं कोई मेरी खामोश मंजिल का, सफर में रख दिए तूने न जाने हादसे कितने। अरे शारदा जल्दी करो। आई मैडम। इतना टाइम क्यों लग रहा है? और शाम को ना 7 बजे आ जाना, उससे ज्यादा लेट नहीं करना, ठीक है? रख दो। Oh,
नसीब ही खोटा है। रात होते होते हर उम्मीद दामन छोड़ देती है। न जाने किस घड़ी तूने मेरी तकदीर लिखी है। नहीं, इतना घिनौना इल्जाम मत लगाइए। अरे ये जो तेरे मायके से आया है, बता उसके साथ तेरा क्या संबंध है? कौन लगता है तेरा? माँ, मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, वो मेरे भाई समान है। हाँ, पर भाई तो नहीं। वैसे भी जब से भैया दुबई गए हैं, तुम्हारे गांव के सारे भाई इस घर में आ चुके हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? विमला, सोए हुए नागिन को मत जगाओ। कट कट कट, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, इस औरत का पल्लू कहाँ पे है? How can an Indian woman not have a pallu on her head? मैडम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? होशियारपुर में हमारी ऑडियंस है, हमने सर्वे किया है। What about my GRPs? Go ahead and retake all these damn shots. मैम, 10 इंच छोट हो चुके हैं। I don't care. उसके सिर पर पल्लू रखो and retake all these shots at your cost. You get it? Bloody bullshit. देख क्या रहो, पल्लू डालो, शूट करते हैं। नहीं, वो ठीक है। मैम साहब, हमको कुछ काम मिलेगा। क्या काम जानते हो? हाथ गाड़ी चलाना जानते हैं हम। अरे बहल साहब, आप ड्राइवर ढूंढ रहे थे ना? हाँ जी मैडम। इसे रख लो। तुम्हें मर्सिडीज चलाना आती है? ऑफ कोर्स, धक्का मार के चला ही लेगा, हाथ गाड़ी से चलाता है। क्या मैडम, आप भी full of uneducated, unemployed people. अगर टूटे किसी का दिल तो शब भर आंख रोती है। ये दुनिया है गुलों की जिसमें कांटे पिरोती है। हम अपने गांव में मिलते हैं दुश्मन से भी इठलाकर। तुम्हारा शहर देखा तो बड़ी तकलीफ होती है। वासां सी जिर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मैंने चेक ही दे दिया। प्लीज कम इन, बैठे। इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ। बताइए। आप अपने बाबा जी को घर क्यों नहीं ले जाते? अब इससे ज्यादा उनकी तबीयत ठीक होने वाली नहीं है। यहाँ रख कर आप खामोखा अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मेरा उनकी तरफ फर्ज बनता है, आई ओ इट टू हिम। लेकिन मेरे स्टाफ की तरफ तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता। आई मीन, आप जो उनके लिए इतने सारे फ्रूट्स लाते हैं, वो आधे से ज़्यादा तो मेरा स्टाफ खा लेता है। अरे वो तो मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि वो बाबा जी का अच्छी तरह से ख्याल रखें। तो आप मेरे स्टाफ को चोरी करना सिखा रहे हैं। देखिए, आज यहाँ से करते हैं, कल किसी और पेशेंट की चोरी करेंगे। अभी मैं आपको एक सलाह दूँ जी, आप उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए तो वो ऐसी हरकत करने की जरूरत ही नहीं करेंगे। मिस्टर समीर, नाउ यू आर टेलिंग मी हाउ आई शुड रन माई हॉस्पिटल। एनीवे, आप इन छोटे लोगों को जानते नहीं हैं, ये लोग बहुत कामचोर होते हैं और फिर इन हरकतों से हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती है। सुषमा जी, बड़ी हैरानी की बात है कि पायरेटेड फिल्म्स आप देखते हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा करने के लिए कैश आप लेते हैं,
लेकिन सोसाइटी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके अलावा बाकी सब जिम्मेदार हैं। अगर आपके बच्चे बदतमीज हो जाएं तो टीवी सीरियल जिम्मेदार, अगर आपके बच्चों की आदतें खराब हो जाएं तो फिल्म वाले जिम्मेदार, और अगर आपके अस्पताल में कुछ बदनामी हो जाए तो छोटे लोग जिम्मेदार। बस दूध की धुली तो आप ही हैं। एक बात याद रखिएगा, बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप की नकल करना सीखते हैं, फिर बाकी दुनिया की। बेवकूफ ने सारा प्लान चौपट कर दिया, वरना अब तक सारा शहर जल रहा होता। अब्बास भाई का पार्टी ऑफिस से फोन आया था, शहर में जगह जगह नाकाबंदी लगी हुई है, पुलिस को खबर हो गई है कि शहर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। तो ठीक है, परसों तक गर्मी कम हो जाएगी। बेवकूफी की बातें मत करो, कल से चौकसी और भी बढ़ सकती है। अब्बास भाई ने कहा है कि इस काम को आज ही अंजाम देना होगा। देखो, आज शाम को वासवानी की पब्लिक मीटिंग है जिसमें जोशी भी शिरकत के लिए आ रहे हैं। अगर इस कांड को तुमने आज अंजाम दे दिया तो जोशी और वासवानी किस जहन्नुम में जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जन्नत तो पक्की है। मेरी जन्नत या तुम्हारी सीट पक्की है? मैं धमाके की तैयारी करता हूँ। आज शाम को ऐसा धमाका होना चाहिए जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचे। देखो थोड़ा हाथ रोक के खर्चा कीजिए साम जी, नहीं तो इधर से मोबाइल हुआ फेंक के मारेंगे, हाथ तोड़ देंगे थोड़ा। हाँ का प्रणाम, फोन रख। अरे माथा मत घुमाइए, फोन रखिए। इधर एक टाटा सफारी था MH04 1939, कौन लेके गया पता है? हम अभी घर से आए, हमको कुछ पता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रसाद यादव। बिहार से आए हो? इंडिया में दूसरा कोई कोना नहीं मिला क्या तुम लोगों को? उठाया पेटी और आगे बॉम्बे। उधर को रोगा धरना जाएगी चीटी। हाँ, हमारी गलती थोड़ी ना, हम तो चीटी हैं। नहीं नहीं, हमारी गलती है। सारे पॉलिटिशियन लोगों ने पूरे बिहार की बाजा बजाया, ये हमारी गलती है। किडनेपिंग की वजह से डॉक्टर लोग इंजीनियरों बिहार से भाग गए, हमारी गलती है। और खास गलती क्या मालूम है? हमारे सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर रख के डेवलपमेंट किया, बहुत गलती किया है। देखो हम भी देश के नागरिक हैं और हम जहाँ चाहे वहाँ बस सकते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। हमको भी कानून मालूम है। हाँ। जैसे हक मालूम है वैसे जिम्मेदारियाँ भी मालूम होगी ना, जैसे कि करप्ट लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, अभी किसी की जमीन खाली है तो जबरदस्ती झोपड़ा नहीं बांधना चाहिए, ये रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए, 500 रुपये जुर्माना।9 साल पहले मेरी वाइफ मंजू को हार्ट अटैक आ गया था डॉक्टर मंडारी के क्लिनिक ले गए थे उन्होंने चेक किया और चले गए दो घंटे के बाद मंजू की तबीयत बिगड़ गई तो मैंने डॉक्टर को घर पे फोन किया उन्होंने कहा वो आ रहे हैं वेट किया पहुंचे नहीं मंजू ऑफ हो गई मैं डॉक्टर पर नेग्लिजेंस का केस ला गया बिल्कुल ठीक है मंजू के मरने के बाद यूएसए शिफ्ट हो गया देखें 9 साल हो गए इस केस का 5 जज बदल चुके हैं इस केस के लिए कम से कम 15 बार इंडिया आ चुका हूँ। आज केस का फैसला होने वाला है। वकील कह रहा है कि उसको 3 साल जेल की सज़ा मिल सकती है। वेरी गुड। यू नो आई डोंट थिंक आई एम एवर गोना कम बैक टू इंडिया आफ्टर दिस। चलिए जल्दी चलिए, इसके बाद अपना ही नंबर है। चुप।
ये नए जज है मिस्टर कॉल, इन्होंने सारा मटेरियल पढ़कर फैसला लिखा है। केस नंबर 594/1998, कंप्लेनेंट मिस्टर अमरजीत सिंह गिल। यस सर, ही इज प्रेजेंट हियर सर। चलिए जल्दी कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों की छानबीन की है। जिससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर मंदाड़ी की लापरवाही की वजह से ही मिस मंजू अमरजीत सिंह की मौत हुई है। डिफेंस काउंसिल एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे यह साबित हो सकता कि डॉक्टर मंदाड़ी वाकई किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। इसलिए कोर्ट डॉक्टर मंदाड़ी को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 साल की सजा देती है। ये फैसला 15 दिन के लिए स्थगित किया जाता है ताकि डॉक्टर मंदाड़ी चाहें तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हम जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं वो इतना बड़ा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा फर्ज होता है। सर, आई थिंक जस्टिस इज डन टू यू मिस्टर अमरजीत सिंह। आज भी तो यही साबित हो गया कि अगर जिम्मेदार आदमी वक्त पर मरीज तक न पहुंचे तो उसकी मौत हो सकती है। आपका मतलब आपकी बेटी? नहीं नहीं, मेरी बेटी ठीक है, बट आई लॉस्ट माई ग्रैंड चाइल्ड, लड़की थी। माई गॉड, आई होप देर इज नो होप मिस्टर सिंह। हर हस्बैंड इज प्लानिंग टू फाइल फॉर अ डिवोर्स एंड दिस चाइल्ड वॉज आर ओनली होप टू ब्रिंग हिम बैक। आई एम सो सॉरी। क्या आप वाकई सॉरी हैं और आप चाहते हैं कि? यस ऑफ कोर्स, अगर मैं कुछ कर सकूं प्लीज टेल मी। एक जज के नाते नहीं, एक बाप के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस तरह मंदाड़े के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। बट व्हाई? वो इसलिए मिस्टर सिंह कि अच्छाई पर मिस्टर मंदाड़े का विश्वास रखना जरूरी है। मैं जानता हूं कि तू उस दलित लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि देश के अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर छपे कि जोशी मैरिज अंबेडकर। लेकिन क्यों डैड? सवेरे आप क्योंकि मेरी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स ब्राह्मण हैं जो इस पार्टी को चलाते हैं। और आप डैड, आप क्या चाहते? मैं चाहता हूं मेरे बाद तू ही मेरा पॉलिटिकल सक्सेसर बने।
और डैड आप जानते कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस पॉलिटिक्स। मगर क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तू मुझे ताने दे रहा है, मुझे। मेरा पॉलिटिकल करियर यहां तक कैसे पहुंचा है मैं जानता हूं। गांव के एक मामूली से स्कूल में मामूली सा टीचर था मैं। वहां से यहां तक आने पे कितने पापड़ बेले समझता है तू? आज मेरा नाम पार्टी के प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट हो रहा है और आज ही अगर तूने शादी की तो समझ ले मेरा पॉलिटिकल करियर तो बर्बाद। आशा रुकने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसे। अगर तूने उससे भागकर शादी की तो याद रखना मैं सारे पेपर्स में छपा दूंगा कि मैंने तुझे डिस्काउंट कर दिया। मैं क्या करूं डैड, आशा को छोड़ दूं? नहीं जे, उससे थोड़ा सा वक्त और मांग ले। देख, मैं पर्सनली इस शादी के खिलाफ नहीं हूं। दादा गाड़ी आ गई है। ठीक है। अरे वो लड़की है ना आशा, नचिकेत के बहुत पीछे पड़ी हुई है, बहुत प्रेशराइज कर रही है शादी के लिए। नचिकेत पर नजर रखना, कहीं कोई ऐसा वैसा काम ना कर दे कि हमारे सारे प्लान्स फेल हो जाए। मुझे तुझ पर भरोसा है। दादा तुम्हें टेंशन क्यों लगा, मैं भक्तों का करें सभी। स्पेशियस सी व्यू, दिस इज द बेस्ट, यू वोंट रिग्रेट इट। कांग्रेचुलेशंस, मैं आपको अच्छी डील इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई लाइक यू, यू आर अ नाइस मैन। थैंक यू। पैसे का कैसे करें? 10% एडवांस टोकन आप दे दीजिए और बाकी 3 महीने के पहले। ठीक है, मैं चेक देता हूँ आपको। आप अरेंजमेंट लेटर बना दीजिए। राइट। अग्रीमेंट बनाते रहिए। आप मुझे अपना कोई कार्ड दे दीजिए इधर नाल, जस्ट मेक द पेपर्स। माय कार्ड। थैंक यू। समीर अली, I'll just be back. आप मेरे ऑफिस में वेट कीजिए, मैं अभी आया। ये लीजिए। मिस्टर समीर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो फ्लैट आप चाहते थे दैट्स गॉन। मेरे पार्टनर ने अभी बताया कि वो सवेरे ही उसका सौदा हो चुका है। आप कह रहे थे इस बिल्डिंग में 4 फ्लैट बाकी है तो और कोई दूसरा फ्लैट दे दीजिए। चारों के चारों जस्ट ऑल सोल्ड आउट। आई एम रियली सॉरी। सॉरी, कोई बात नहीं, अभी आपके पास फ्लैट होता तो आप दे देते, मना क्यों करते? ऑफ कोर्स। सम टी कॉफी प्लीज? नहीं, मेरे नमाज का वक्त हो गया। इफ यू डोंट माइंड, सुषमा बोल रही थी कि आप हॉस्पिटल में अपने फादर से, मतलब अपने फादर को गीता पढ़कर सुनाते हैं, पर अब तो हो। तो आपको लगा था कि मैं हिंदू हूँ? वो मेरे पिताजी ने, हमारे गांव के टीचर हैं। मैं पढ़ाई में अच्छा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद उन्होंने पूरा खर्चा उठाकर मुझे कॉलेज भेजा, शहर में बॉम्बे भेजा हायर स्टडीज के लिए। मेरे मुसलमान होने पर उन्हें कोई एतराज नहीं था। मुझे गीता भी पढ़ाते थे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी भेजते थे। कहते थे बेटा पूरा मजहब नहीं आदमी होता है। Thank you. Aisha
यहाँ नमाज पढ़ जा। मैं गाड़ी गली में पार्क करता हूँ। हेलो शिंदे साहब, अल्ताप चौगुले बोलता हूँ। बॉम्बे फर्नीचर वाला। हाँ बोल बोल बोल। वो नूरखान है ना, इधर आए। नूरखान ज्वेलरी बाजार शूटआउट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोल बोल, क्या है? मस्जिद के पास। ओ, अकेला है? एक और भी है उसके साथ, उसका ही साथी लगता है। कैसे आया वो? सफरी सफरी। ठीक है, अभी मैं जा रहा था सिद्धिविनायक माँ की, चल मैं आता हूँ, उधर पहुँचता हूँ। हाँ मेरे नमाज का वक्त हो गया, मैं वापस फोन करता हूँ। ओके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम या जीव सलाम हय्यना रब्बना व इस्तगाबन नार रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आइए 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 सर। गोल्फ लेक आजा आजा शेट्टी। अरे 90 सालच्या अधिवेशनाला आपण बरोबर होतो। चंद्या चंद्या शिंदे याद याद मित्राचं दुकान ये पैसे बाद में लेता। बैठ बैठ यार, अपने दोस्त का दुकान है। अल्ताफ क्या लाना दो तो अब भी क्रांति दल का हिस्सा हो? अरे कहा क्रांति दल, और किधर, सारा लोचा हो गया पूरा लाइफ का। क्यों, क्या हो गया? अरे वो अधिवेशन के आखिरी दिन मुझे घर से फोन आया। हाँ, पिताजी की तबीयत खराब है, जल्दी निकल आ जाओ। निकल आया, घर में आ गया तो पिताजी गुजर गए थे। अरे पुलिस में काम करते थे पिताजी। हाँ। तो उनकी जगह मुझे नौकरी मिल गई। साले सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद सिस्टम का हिस्सा बन गया, कब पता ही नहीं चला। रहता कहाँ है? कभी एक लोचा है साला। क्या? नागांव में हमारी एक बाड़ी थी, शिंदे बाड़ी करके। पिताजी ने एक भैया को रखा था, गरीब था बेचारा, इसलिए रखा था। उसको एक झोपड़ी भी बना के दिया था। साला जब मैं ट्रेनिंग के लिए 2 साल के लिए बाहर गया ना, वापस आके देखा तो उस भैया ने अपने रिश्तेदारों को बुला के बाड़ी को बांट बांट के पूरा कब्जा कर दिया, पूरा इंक्रोचमेंट। लेकिन तो पुलिस में है ना? लेकिन उनके रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है ना। लेकिन रहता कहाँ है? यादव करके है, उसकी चाल है, उस चाल में रहता हूँ साला, भाड़े करो करके। छोड़ यार तू। अच्छा तू बताओ तू क्या कर रहा है? मैं जो अधिवेशन के लिए आया था ना, तब मेरी जेब में अपॉइंटमेंट लेटर था, रूपारेल कॉलेज जूनियर लेक्चररशिप। अच्छा। लेकिन अपने दिमाग में तो क्रांति की हवा थी ना। वहाँ पे मुझे एक ग्रुप मिल गया आंध्रा से, नक्सलवादी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। उन्हीं के साथ चला गया आंध्रा, वहीं से 2-3 साल बहुत काम किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत काम किया।
फिर एक ब्लास्ट के केस में पकड़ा गया 2 साल अंदर। जब वापस आया तो सब तहस नहस हो चुका था। ये जो हमारे नक्सलवादी दोस्त थे सबको पॉलिटिशियंस ने खरीद लिया था, गुंडे बन गए थे सारे। डेढ़ साल हो गया वापस बम्बई आ गया हूँ। साला कहाँ के लिए चले थे कहाँ पहुँच गए। सोचा था साला दुनिया को बदल डालेंगे, लेकिन दुनिया ने हमको बदल डाला। क्या हो गया? कुछ नहीं है, पुरानी यादें आ गई। हाँ यार, आज फिर से नई शुरुआत करने का जज्बा आया था। अरे अल्ताफ साला कौन आने वाला? गए हो कब का? गए हो हुतत में चौक तक बनो ये सर। हाँ जी भैर साहब। हाँ 500 एपिसोड पर मुबारक हो। हाँ जी शाम को आएंगे। अरे आपकी फंक्शन कैसे मिस कर सकते हैं। ओह सॉरी। जानते हो हर बार हमें तुम लोगों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। शर्म तो हमें भी बहुत आती है तुम जैसे मुसलमानों को हिंदुओं के तल पर चाटते देखकर। खून नहीं खोलता तुम्हारा इन हिंदुओं को देखकर। नहीं, तुम्हारा खून हिंदुओं को देखकर इसलिए खोलता है क्योंकि तुमने कुछ चुनिंदा भयानक यादों को सारे हिंदुओं के साथ जोड़ दिया है और मैंने कुछ चुनिंदा खूबसूरत यादों को सारे हिंदुओं के साथ जोड़ दिया है, इसलिए मेरा खून नहीं खोलता हिंदुओं को देखकर। एक मिनट वो दूसरा बैग लेके ओपी बिल्डर वाला। भाई वो तो मैंने लाया नहीं। तूने लाया? भाई आपने कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बोला, मतलब बोला? ना भाई एक्चुअली आप समझा देते। ना खोपड़ी सरा क्या तेरा? ना भाई वो कल रात को बैग रात सुबह शाम बोल रहा है क्या? क्या चल रहा है तेरा? कल रात आप नशे में थे ना। आप गाओ भाई गाओ। अरे पेड़नेकर, वो जतिन गांगुली का मोबाइल फोन शायद गाड़ी में रह गए थे ना, जरा लगा दो, शायद चुराने वाला उठा ले।
साहब ये काट रहा है। हमें वो अधिकार चाहिए। अरे मैं सुनो, गोरे कहाँ हैं? जी वो नचिकेत के साथ। अच्छा ठीक है। ये तल्लू जा, ठीक से बजान ले। नूर भैया, मैं सोच रहा था कि कम्युनिज्म एक ऐसी चीज इजाद हुई है जिसका इस्तेमाल करके इंसान की किसी भी घटिया से घटिया हरकत को सही ठहराया जा सकता, मर्डर तक को भी। लेकिन आपको मिलके लगा कि साला धर्म भी कुछ ऐसी ही चीज है ना? अब देखो ना, आप तल्लेजा को ये सोच के मार रहे हो कि धर्म का काम कर रहा हूं, काफिर कम हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूं कि साला कैपिटलिस्ट कम हो जाएगा, अपना देश कम्युनिज्म की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। इंटरेस्टिंग है ना, है? क्या बोलते हो? साला इसीलिए तो तुझे साथ में लाता हूं, मर गया तो कम से कम एक हिंदू कम हो जाएगा। लेकिन नूर मियां, अगर तुम मर जाओगे ना तो मेरे लिए एक मुसलमान कम नहीं होगा, साला एक दोस्त कम हो जाएगा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश मोदी है, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ रायन इंटरनेशनल स्कूल में। बाय का दिन ही खराब है, बैड फ्राइडे। एक डील भी हाथ से निकल गई, ब्लडी। मगर सर खुशखबरी है, और एक लड़की को मैं मिल रही हूँ।
Really? That's good. सारे सात बज में मलाड में मिल रही हूँ और मैं डार्लिंग में लेके आ रही हूँ. डार्ली, यू आर अ डार्लिंग. इसी तरह खुश किया करो मुझे. आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू. ओके, थैंक यू सो मच सर, यू आर सच अ डार्लिंग. I won't be back. सुषमा मैडम का फोन आया तो कहना कि मैं NRI पार्टी के साथ ओबरॉय पर हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड. मैं खुद ही फोन कर लूँगा. ओके, गुड इवनिंग. कबूतर बाहर. ऐसे लोगों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए. दले जा, आगे आ जाओ. नूरमिया, नूर, जब उम्मीद के सारे किनारे पास थे, जिंदगी ने सांस की कश्ती भंवर में छोड़ दी. Ah!
चला हॉस्पिटल किधर गए हो अपनी तरीके से आप लोग देखिए शिंदे साहब घबराइए नहीं आप सही समय पर यहाँ पहुंच गए हैं आपको बुला रहा हूँ जी क्या नाम है तुम्हारा भोला पासवान बिहार से बिहार से हो या आंध्र से हो है तो इंडिया का ही ना नहीं ना सुबह से कुछ खाया नमस्ते मैडम शारदा शारदा जी मैडम तुम क्या करो जी वो कपड़े लाया था ये आपने कहा था ना 12 कपड़े यहाँ तो 11 है सिर हेलो मिसेस पटेल हाँ मैं मिसेस तलरेजा बोल रही हूँ हाँ जी बोलिए वो शारदा आपके वहाँ भी काम करती है ना हाँ नहीं उसके बारे में कुछ बात करनी थी क्योंकि क्यों कुछ गड़बड़ क्या नहीं नहीं आज जब मैं घर पे आई तो वो थी और वो जो क्या कहते हैं उसको धोबी था कोई एंड यू नो आई मीन उनकी शक्ल देख के मालूम पड़ रहा था कि अरे आप जाने भी दीजिए ना उनके आपस का मामला है हम क्या कर सकते हैं इसमें आपके घर का तो मुझे पता नहीं मगर मिसेस पटेल मेरे वहाँ इस तरह की हरकतें बिल्कुल अलाउड ही नहीं है हेलो कौन सिक्योरिटी जी मैम साहब क्या कर क्या रहे हैं आप लोग नीचे बैठ के तलरेजा बिल्डर्स
मैडम साहब तो किसी एनआरआई पार्टी के साथ मीटिंग के लिए उभर आए गए हैं। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस मीटिंग। बोलिए मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करें। मीटिंग खत्म होते ही वो आपको फोन कर देंगे। थैंक यू मैम। जाके रखना फीलिंग हॉट हॉट फीलिंग हॉट हॉट फीलिंग हॉट फीलिंग हॉट 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 फीलिंग हॉट हॉट फीलिंग हॉट 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 फीलिंग हॉट 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 फीलिंग हॉट हॉट गुड इवनिंग सर Darling. How was the day? Oh, as usual, excited. Sir, Meena बोल के एक लड़की आई है. BPO में काम करती है वो BPO वाली. और उसके साथ साथ और एक लड़की भी आई है. Sir, 18 साल की उम्र है. Good. मुझे तो लगते है वो sweet 16 है. So young? Really? Darling. और राइस भी लगती है. Okay. मुझे तो लगती है वो ड्रग लेती है. अच्छा. मगर ड्रग एडिक्ट है. तन्वी नाम है उसकी. तन्वी नाम है उसकी. 25,000 मांग रही है. सर आप ही तो कहते हो सब बिकती है लेकिन हर की कीमत अलग अलग होती है. क्यों बुलाओ अंदर. तुम जरा एक मिनट. तुम्हें बुलाता हूँ. क्या हुआ? मैं बुलाता हूँ. क्या हुआ? I'll call you later. क्या? तन्वी नाम है उसकी. 25,000 मांग रही है. पापा मुझे 25,000 रुपए चाहिए. आज रात को मुझे बिस्को जाना है. रियली वांट टू गो. आई रियली डोंट केयर. आप ही तो कहते हो सब बिकती है लेकिन हर की कीमत अलग अलग होती है. क्यों? जब मैं पीता था तो उसने छुड़वा दी अपनी कसम देकर. अरे क्या बात. दोस्तों में बैठा हूँ दोस्तों ने पिला दी उसकी कसम देकर. अरे वाह क्या बात. ले जल बोतल कफन में छुपा कर कब्र में पिया. प्लीज स्टॉप दिस नचिकेत. तुम्हें क्या लगता है शराब के नशे में बेहोश होने से तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हीरा हाँ सुना गया उन्हें. ओके यू मस्ट नो वेयर टू स्टॉप नचिकेत. तुम्हें भी समझना चाहिए डैड इज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल क्राइसिस. अगर वो कह रहे कि थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए तो वी शुड वेट. और उन क्राइसिस का क्या ना चिकित जिससे मैं गुजर रही हूँ. हाँ मैं डैड को नहीं छोड़ सकता. तुम्हें अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे. यू नो नॉट टर्निंग इनटू अ स्पाइनलेस पैरासाइट अदरवाइज. व्हाट डिड यू से? हाँ क्या कह रही थी? स्पाइनलेस पैरासाइट.
बदले में तुम्हें मारूंगा फिर अपने आप को। तुम पागल हो रहे हो। हाँ मैं पागल हो रहा हूँ, सब मैं पागल हो रहा हूँ। यही चाहती हूँ ना तुम और मेरे डैड। नहीं, somebody help me. I'm a spineless parasite. I can't take control of my own life. पर मैं अपने आप को मार सकता हूँ। Stop it, Ajay. Stop it. पूरा मजहब नहीं आदमी होता है। आप ही तो कहते हो सब बिकती है लेकिन हर की कीमत अलग अलग होती है। क्यों तुसी तो स्टार्ट हो यार। मुझे तो लगता है वो 316 है। तन्वी नाम है उसकी। बुलाओ अंदर। How dare you? Bloody dog! You're so so amazing. एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। That's the only way to end the corruption and save the country. पूरा मजहब नहीं तुसी तो स्टार्ट हो यार। आप तो कहते हो सब बिकती है। तन्वी नाम है उसकी। एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। हेलो तन्वी। तन्वी। हेलो पापा, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। शारदा भाई का फोन आया था मुझे। आप प्लीज यहीं पे आ जाइए। मैं यहीं पे हूँ। ओके। She's very serious. I'm coming, बेटा। I'm coming. Okay. उसको यही कही होगी वो। आज उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में नचिके को मुंह के काबिल नहीं रही हो। हेलो मोरी। हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। तू You don't touch me, go away! Don't you dare touch me! Go away! Go! Don't touch me! हमें इस जिस्त से उम्मीद क्या थी और क्या निकला। कहां जाना हुआ था तय, कहां से रास्ता निकला। खुदा जिनको समझते थे वो शीशा थे न पत्थर थे। जिसे पत्थर समझते थे वही अपना खुदा निकला। इट्स ओके, ओके, कम डाउन, कम डाउन तन्वी, कम डाउन। इसी होटल में ठहर रहा हूँ मैं। कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ, इसलिए आपको यही बुलाया ताकि साथ में डिनर भी कर ले और
ये मेरा एप्लीकेशन है मेरा केस विथड्रॉ करने का. प्लीज आप कोर्ट में जमा कीजिए. प्लीज प्लीज डॉक्टर, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. आज मैंने भी एक ऐसी गलती की. जज साहब ने मुझे आपकी सारी स्टोरी बताई. वो ट्रैफिक वाली, वो बोले जज के नाते डॉक्टर मंदारी को बेनिफिट ऑफ डाउट तो नहीं दे सकता, मगर तुम उन्हें बेनिफिट ऑफ गुडनेस तो दे सकते हो. एपिसोड पर मुबारकबाद. थैंक यू. ग्रेट जॉब हेल्सा. यू नो लोग हमारे सीरियल्स को घटिया और रिग्रेसिव कहते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर हम घर घर की रियलिटी पोर्ट्रेट नहीं करते तो क्या हमारे टीआरपी इतने हाई होते? हम ऑडियंस का पल्स को समझते हैं, जानते हैं, डोंट यू थिंक? यस, सीरियल्स आर द ओपियम ऑफ द मासेस. मैं एक ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, आप कुछ लेंगे? यस, कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? ऑफ कोर्स. मोरे नैना तुम संग लागे, मोरे नैना तुम संग लागे, मोरे नैना, मोरे नैना, मोरे नैना तुम संग लागे, मोरे नैना. शुक्र शो के लिए पैसा तो फेंकिए. क्या अशफाक भाई, आजकल उधारी में खेलना शुरू कर दिया क्या? अशोक भाई, कोतवाल चौक में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें नूर खान की मौत हो गई, मगर तलरेजा बच गया. Two glasses of wine, please. शाम को हुतात्मा चौक में एक बहुत जबरदस्त बम ब्लास्ट हुआ, इसमें कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोगों के मरने की आशंका है. ये ब्लास्ट टेडी बेयर के जरिए करवाया गया था. जी न्यूज के संवाददाता संतोष तिवारी, जो वहाँ श्री वासवानी की पब्लिक मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने एक शख्स को टेडी बेयर ले जाते हुए देखकर अपने कैमरे में कैद कर लिया था. ये वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो उन्होंने ली थी. ब्लास्ट के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को वो टेप दिखाया, जिसके बाद ब्लास्ट करने वाले की पहचान हुई. पुलिस तुरंत हरकत में आई और सीएसटी स्टेशन पर गोरखपुर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस गाड़ी में उसे धर दबोचा गया. उसका नाम जलील है और उसके पास से कुछ जिहादी किताबें भी पाई गई है. यार, ये सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? हाँ यार, और नहीं तो क्या. सही बोल रहे हो यार. देखो ना, अभी पुलिस कमिश्नर ने जी न्यूज की टीम की सराहना करते हुए कहा, जी न्यूज की टीम की सतर्कता की वजह से ब्लास्ट होने के एक घंटे के अंदर इस अपराधी को अरेस्ट किया. हाय हाय, इसीलिए मेरे ख्याल से इनकी इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों ने 60 लाख जूस को मारा, वो लोग मुसलमान नहीं थे. कैम्बोडिया के पॉल पॉट ने, जिसने 20 लाख लोगों को मारा, वो भी मुसलमान नहीं था. पंजाब में 15 साल तक आतंक फैलाने वाले खालिस्तानी भी मुसलमान नहीं है. आंध्र प्रदेश के नक्सलाइट जो हर साल हजारों पुलिस वाले और लोगों को मारते हैं, वो लोग भी मुसलमान नहीं है. और हमारे प्रधानमंत्री को जिस LTTE ने मारा, वो लोग भी मुसलमान नहीं थे. हर आतंकवादी मुसलमान नहीं है. सॉरी मिस्टर बेल, हमारे टीआरपी बहुत गिर गए. कम ऑन, यू गॉट टू काइंड ऑफ डू समथिंग अबाउट इट. और ये सोनी है एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस, उनको एक मौका देना चाहिए. यू नो बेल साहब, यू हैव टू एक्सक्यूज मी. आंटी, यहाँ दारू कहाँ मिलेगी? यू इडियट, मैं तुम्हें दारू वाली आंटी रखती हूँ क्या? हे, गाली क्यों देके? यू ड्रंक पिग, जस्ट गेट आउट ऑफ माय फेस. ओके, कमाल के मोहतरमा यार, आंटी बोलो तो भी गाली देती है, बोलो तो भी गाली देती है. हे, बीवी बोलो क्या तेरे को? बीवी बीवी बोलो. यू बास्टर्ड, गेट आउट, गेट आउट, गेट द हेल आउट ऑफ हियर. Get the hell out of here!
नजर नश्तर जुबां खंजर लहू शोला, मेरे मालिक बता इंसान की सूरत में ये तूने क्या बनाया है? देखिए, अगर मेरी जगह वासवानी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैं ये पार्टी छोड़ दूंगा, क्योंकि मोदी जी, मैं जानता हूं कि मेरी सीनियरिटी के बावजूद मुझे ह्यूमिलिएट और साइडलाइन किया जा रहा है। मेरी के सीनियर लीडर से बात हो चुकी है और मैं किसी भी वक्त उन्हें ज्वाइन कर सकता हूं। आप अभी हाईकमान से बात कर लीजिए, वरना प्रेस बाहर खड़ी है ब्रेकिंग न्यूज के लिए। एक सेक्युलर पार्टी है, वो आरक्षण और अपने माइनॉरिटी के बारे में आपकी भूमिका को कैसे जस्टिफाई करेगी? मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरा जो बेटा है ना नचिकेत, वो एक दलित लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। क्यों, कैसी रहेगी ये ब्रेकिंग न्यूज? जोशी वैट संबेडकर। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना? यू वांट ब्रेकिंग न्यूज? कम विद मी, मैं देता आपको सनसनी खेज खबर। क्या बदतमीजी है? नचिकेत, गेट आउट! आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर शिट फ्रॉम एनीवन, नॉट इवन फ्रॉम यू डैड। आप मुझे अपने पॉलिटिकल गेम्स में घोड़े की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ना? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। टुडे आई डिसओन माय फादर। आपकी दौलत नहीं चाहिए मुझे, आपकी घर नहीं चाहिए। आई डोंट इवन वांट योर नेम। एंड प्लीज डैड, डोंट रूइन दिस कंट्री विद योर डर्टी पॉलिटिक्स। मेक दिस ब्रेकिंग न्यूज। जरा ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल तैयार रखिएगा। दूसरी बात, डॉक्टर शोभा को बता दीजिएगा कि वो फौरन की फौरन को वहाँ पे बुलवा लीजिएगा, उनको शायद एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एक बात बहुत जरूरी, देखिए आप कैसे इधर ट्रैफिक जाम हो चुका है। सर जी प्लीज, और लोग इधर उधर, गाड़ी ऑन कर लो प्लीज, गाड़ी आगे लो। थैंक यू। मैं मौलिक शाह इस वक्त क्राउन इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर अभी अभी ग्लोबल टीवी की मशहूर क्रिएटिव हेड्स जेनिफर अली को गोली मार दी गई है। उनकी हालत इस वक्त इतनी गंभीर है, इस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनके बचने की उम्मीद काफी कम है। मैं बता नहीं सकता, यहाँ का क्राउड इतना भगदड़ मच रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं इस वक्त आपको क्या बताऊं, आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जिस तरह से उनको गोली लगी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, वे बचेगी कि नहीं बचेगी। कुछ जेनिफर बेटी, हिम्मत मत हारना, वापस चले जा बेटी, हिम्मत मत हारना बेटी, हिम्मत मत हारना। जेनिफर बच्ची, वापस चले जा बेटी, वापस चले जा बच्ची।
आशा, आशा, आशा मेरी बात सुनो प्लीज, आशा प्लीज। Leave me alone, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। Listen to me। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, I hate you, go away, just get out of my life। Listen to me। Samir, can I tell you a secret? I promise you won't laugh because I may sound all spiritual, but कल रात जब मैं बेहोश पड़ी थी तो मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है कि पापा जी मुझे पुकार रहे थे, हिम्मत मत हार बेटी, हिम्मत मत हार, वापस आ जा। और वही शक्ति थी जो मुझे हिम्मत दे गई, वरना हमारा बच्चा और मैं तुम चाहो तो हम अमेरिका जा सकते हैं। नो नो, मुझे लगता है कि देयर आर मोर पीपल इन इंडिया हु लव मी देन इन द यूएस। हम यही रहेंगे बाबा जी के पास। आई एम सॉरी समीर। सामने नजीक जोशी ने अपने बाप का घर और पार्टी छोड़ दी। शारदा, ये मेरी बेटी की जान बचाने की कीमत नहीं है, मेरे तरफ से छोटा सा भेंट है। लो लो शारदा लो, ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए लाया। थैंक यू।
देखना कल से मेरी सारी पनौती दूर हो जाएगी। आफ्ताब, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें असली बंदूक दूंगा। सच्ची? कब? जब तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे और मिलिट्री ऑफिसर बनोगे ना, तब। क्यों? इसके लिए इसे हमेशा इसे ऊंचे पकड़ के रखना, ठीक है?